अब देखो एग्जाम्पल मैंने सिद्धांत में लिखी है, एक बच्चा रसगुल्ला मांग रहा है, कुछ बाप कहता है अच्छा अच्छा ला देंगे ला देंगे, अभी ला दो, अच्छा अभी ला देते हैं बाबा बाजार तो जाएं। वो बच्चा बुझाया हुआ है, मचल रहा है, रो रहा है, लेकिन रसगुल्ला सामने नहीं है। तो थोड़ी देर मचल करके माँ बाप भी चले गए अपने काम से, या कोई खिलौना दे दिया उसके आगे, या उसके माइंड को डाइवर्ट करने के लिए कोई और सब्जेक्ट चला दिया, वो भूल गए। लेकिन अगर रसगुल्ला सामने रखा हो और बच्चे से कहो कि खा लेना कल, खा लेना क्या कल, अरे मैं एक मिनट का उधार नहीं करूंगा, अभी खाऊंगा, ओह जमीन आसमान एक कर देगा। तो उसी प्रकार ये संसार के जितने भी प्रपंच है, इनमें रह करके इनको देखो, सुनो, सूंघो, रस लो, स्पर्श करो, इंटरेस्ट के द्वारा या द्वेष के द्वारा, तो वो वस्तु सामने होने के कारण मन पर कंट्रोल नहीं करते। इसलिए साधना बताई गई है कि पहले एकांत में साधना करके मन को ठीक कर लो और श्यामा श्याम का अनुराग प्राप्त कर लो, फिर संसार में जाओ, कोई डर नहीं। सारे भारत का राज्य किया अनंत महापुरुषों ने, ध्रुव प्रहलाद ने, हजारों स्त्रियां, हजारों उनके बच्चे भी हुए, सब हुए, युद्ध भी किया, खून खच्चर भी लाखों हुए, लेकिन अटैचमेंट कहीं नहीं। ये सब सिद्धावस्था की बात।